अलग किस्म की फिल्म इसलिए है कि देयर इज अ लिटिल जस्ट कैमरा लुक मैन स्ट्रेट लिटिल मैसेज एंड अ लिटिल थॉट बिहाइंड इट. मराठी सिनेमा इज चेंजिंग, मराठी सिनेमा इज कमिंग विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. इट्स नॉट जस्ट अ लव स्टोरी. तो इवन ढिंचैक एंटरप्राइज इज ऑब्वियसली अ लव स्टोरी, बट इट हैज़ अ उसके पीछे एक अलग स्टोरी भी है, और वो स्टोरी ऐसी है जो हम सबके मन को छू जाएगी. शायद से सबके दिल में दर्द पैदा करेगी, शायद थोड़ा गिल्ट सबको लगेगा. तो इट्स अ डबल थिंग, इट्स फन बट इट इज गॉट अ मैसेज आल्सो. बट व्हाट रोल यू आर प्लेइंग, किस तरह का रोल इस फिल्म में? पहली बार आई एम प्लेइंग सेल्स वुमन. तो ग्रेजुएशन के बाद जो मैक्सिमम लड़कियां 9 to 5 काइंड ऑफ अ जॉब करती है, जब डोर टू डोर जाके कुछ बेचना होता है, तो इट इज़ अ डिफिकल्ट जॉब. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब फॉर अ गर्ल टू डू, कि यू डोंट नो किस टाइप के क्लाइंट्स आएंगे. एंड उसके कलीग के साथ शी इज़ बेसिकली अ सेल्स पर्सन, और एक नॉर्मल लड़की की डेवलपमेंट है फ्रॉम अ सेल्स पर्सन टू बिगर एग्जीक्यूटिव. एंड इट्स अ स्वीट गर्ल लाइक योर काइंड ऑफ अ रोल. मैम आपको गाना कैसा लगा इस फिल्म का? फिल्म के गाने बहुत इंटरेस्टिंग हैं, और बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स ने गाए हैं, और पेपी नंबर्स जो एवरीडे यू लाइक टू हियर, कार में प्ले करो या किसी पार्टी में जाओ तो प्ले करो, वो टाइप के गाने हैं. और जब जहाँ तक ये देखा जाता है कि अगर म्यूज़िक अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, तो ऑडियंस ऑब्वियसली लाइक्स टू वॉच द फिल्म ऑल्सो. सो इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. मैम आपको गाना सबसे अच्छा कौन लगा, सबसे अच्छा दिल के करीब गाना कौन सा रहा? मुझे रोमांटिक गाना जो है वो सबसे अच्छा लगा है. इट्स अ गुड सॉन्ग, और बारिश के मौसम में तो ऐसे टाइप के गाने सबसे अच्छे लगते हैं. थैंक्स मैम.